से खेलता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है टाइसन। और अब जरा स्टेडियम के फ्लोर की तरफ बढ़कर हमारे अगले चैलेंजर की पहचान करवाते हैं। अपने ये मैं क्या देख रहा हूँ, शायद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। हेलो टाइसन, बेबलेड इंजीनियर्स पर अपनी उम्मीदें लगा रखी है, लेकिन क्या वो जीत पाएगा? लेकिन उससे पहले आज का नया फेस स्टेडियम देख लेते हैं। इसे कहते हैं द एक्रोपोलिस स्टेडियम। ही गॉट ब्लेडर्स, स्टेडियम भी रेडी, तुम भी रेडी, ब्लेडर्स तैयार। 3, 2, 1 चक्कर देख टक्कर। बिल्कुल एजे, हम इस वक्त दो बेहतरीन ब्लेडर्स को देख रहे हैं। कम ऑन ड्रैगून। छोड़ना मत इसे। हे, दरअसल ब्रुकलिन टाइसन को पीछे धकेल रहा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है, तभी उसे जीनियस बुला देना, क्योंकि इस अखाड़े में उसके दिमाग की स्ट्रेंथ उसके बेब्लेड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। श्योर टाइसन, तुम इसी पल का इंतजार कर रहे थे ना, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी कम पड़ गई। कोई बात नहीं, गुड बाय टाइसन। ड्रैगन है, अभी भी घूम रहा है। टाइसन अभी हारा नहीं। वेगा की धमाकेदार पावर का जवाब नहीं, टाइसन उसके घुटनों के बल गिर गया। मैं इतना ही दम है ब्रुकलिन। इस पृथ्वी के सारे बेब्लेडर्स का भरोसा मुझ पर टिका है। तुम्हें और वेगा को रोकने के लिए मैं एक बार और लड़ूंगा। जाओ ड्रैगन। हो, टाइसन तो जोश में आ गया है, लेकिन क्या ये पावर ब्रुकलिन को परेशान करने के लिए काफी है?